इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अमन पसंद नहीं होता, लिहाजा इन्हें किसी तरह नफरत फैलाने में ही इत्मीनान मिलता है। बेलगाम शहर में भी ऐसी तंजीमें, ऐसे अमन मुखालिफ अनासिर मौजूद है जो किसी न किसी तरीके से अमन को तशद्दुद में फैलाने की हमेशा ताक में रहते हैं। जब पूरा मुल्क कोरोना से कैसे लड़े और इस पर किस तरह जीत हासिल की जाए या किसी तरह जीत हासिल कर सकते हैं कि जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने के काम में मुसलसल लगे हुए हैं। बेलगाम शहर टीपू सुल्तान संघर्ष समिति और टीपू सेना की जानिब से मार्केट पुलिस थाने में फरियाद दर्ज की गई है, जिसमें ATSS के सेक्रेटरी जनाब फजल खान पठान और नवीद जमादार ने मुतालबे के जरिए कहा है कि नम बेलगावी नाम से फेसबुक पेज पर भारत के पहले मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान पर तशवीशनाक अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया है, जिससे टीपू के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंची हुई है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाई थी, पर कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हमेशा टीपू सुल्तान पर नफरत आमोज पोस्ट लिखते रहते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। नम बेलगामी के जरिए नफरत फैलाने का काम सुरेश कलसन नवर नामी शख्स फर्जी अकाउंट के जरिए नफरत का काम कर रहा है। शक का इजहार भी फजल पठान ने किया। उन्होंने कहा कि सुरेश कलसन नवर के तमाम फेसबुक पोस्ट की जांच की जाए और इस पर सख्त कार्रवाई करें। इस वक्त टीपू सेना के सदर जनाब नवीद जमादार भी मौजूद थे और उन्होंने इशारा दिया कि इन फिरका परस्तों पर जल्द कार्रवाई पुलिस के जानिब से की जाए, वरना सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीडरों को और मुस्लिम महापुरुषों को बदनाम करने की साजिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। टीपू सुल्तान हमारे लिए वली कामिल का मर्तबा रखते हैं। कोई भी शख्स किसी भी बुजुर्ग या मुजाहिद आज़ादी के बारे में बोलता है, फिर चाहे किसी भी धर्म या मजहब का हो, इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। जब पूरा मुल्क बहुत बड़ी परेशानी मुश्किलों से गुजर रहा है, तो कुछ देश विरोधी ताकतें देश की दिशा को नफरत की आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी किसी भी धर्म के बारे में भड़काऊ तशवीशनाक पोस्ट करता है तो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर शहर में अमन को बरकरार रखने का मुतालबा भी किया गया। सामाजिक खिदमतगार मोहतरमा दिलाफरोज पटेल ने भी मुतालबे पर दस्तखत करते हुए कहा कि नम बेलगामी की संजीदगी से तहकीक की जाए और कौन सी तंजीम इन कामों में मुलविस है इसका पता लगा दिया जाए और उस पर कार्रवाई हो। कि उन्होंने कहा कि यह भी बात सामने आई कि जिसके स्क्रीनशॉट्स मौजूद है, खवातीन को गालियां तक दी जा रही है। TSS टीपू सेना और दिल अफरोज पटेल की जानिब से मार्केट CPI संघ में शिवयोगी को फरियाद पेश की गई है। CPI संघ में शिवयोगी ने इन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब देखना है कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के जानिब से एक कंप्लेंट दर्ज की गई है। वो कंप्लेंट ये है कि फेसबुक आईडी बना करके जो हमारे आइडल, जो हमारे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनको गलत तस्वीरें डाल करके जो है बदनाम करने की कोशिश की है और दूसरे थोड़े लोग हैं उसमें गलत गलत कमेंट करके अभी जो बेलगाम पीसफुल चल रहा है, शांति के साथ चल रहा है, उसको जो है माहौल खराब करने की, जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो है हम साइबर क्राइम में जो है कंप्लेंट दिए हैं। गवर्नमेंट साहब के साथ भी बात हुई है और उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम जो है लीगली एक्शन लेंगे, उनको पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे ये बताया है। और हम और फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट के ऐसे लोगों को जल्दी से जल्द अरेस्ट करके उनके ऊपर लीगली कार्रवाई करना चाहिए और बेलगाम में जो है शांत जैसा चल रहा है उसी तरह से चलाने की कोशिश करना चाहिए। और एक खास करके जो है ये नम बेलगावी जो फेसबुक आईडी जो बनाए हुए हैं, ये फेक आईडी पर चंद लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, उनको भी मैं ये माध्यम के जरिए से समझाना चाहता हूँ। आप बेलगाम का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। अगर आप यहीं पर नहीं रुकेंगे तो कल जो है हम लोग इसके बाद में कभी जो है अगर फेसबुक पर अगर ऐसा कोई भी गलत
आएगा तो हम रोड पर उतर के जो है आंदोलन करेंगे। एक्चुअली एफबी के ऊपर उन्होंने जो नमक अलगाव ये गाली गलौज किया है मुझे स्पेशली, और कम्युनल वायलेंस भी बहुत फैला रहा है, और टीपू सुल्तान के बारे में भी बहुत कुछ गाली गलौज किया है, उसके लिए हम लोग इधर आए कम्प्लेंट के लिए, और एक्शन स्ट्रिक्ट लेना चाहिए उसके ऊपर। अभी आप बात किए हैं अंदर? हाँ हम बात किए हैं, रिटर्न में कम्प्लेंट दो करके बोले हैं। अभी ये फेसबुक पर हर बार जो है मुसलमानों को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर, जो हमारे महापुरुष है उन लोगों के बारे में जो है, कुछ कौम के जो गद्दार है वो अक्सर जो है हमारे महापुरुषों के बारे में गलत कहते हैं और गलत कमेंट भी करते हैं, और बावजूद हम उनको बोलने के बाद में भी जो है हम कंप्लेंट करेंगे, हम कमिश्नर साहब पास जाएंगे, उसके बाद में भी जो है उन्होंने कमिश्नर साहब का भी नहीं सुनते करके बोलते हैं, उनको भी चैलेंज कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट के पीछे का एड्रेस दे देंगे, उधर डिपार्टमेंट के पीछे वो जो CN है वहाँ आओ, हम वहाँ भी मिलेंगे आपको। तो इससे अगर हम लोग जो है किसी जाति के महापुरुष के बारे में अब तक गलत नहीं कहा है और ना आगे कहेंगे, एक खामखा जो है हमारे महापुरुषों को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं हम लोग जो है, इस बार जो है एक कंप्लेंट के जरिए से पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहते हैं कि इनको जो है जल्द से जल्द अरेस्ट करें, अगर आप अरेस्ट जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो पब्लिक में जो है बहुत गुस्सा है, तो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ जमे हैं, अगर इसके बाद में कोई ऐसी हरकत फेसबुक पे करता है तो हम जो है रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। नंबर बेलगावी जो न्यूज़ चलाता है और ख़ास करके जो है इसे जो है कल का कल अरेस्ट करना, अगर ये अरेस्ट कल नहीं होगा तो हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे।